अंकुश शर्मा है, इन्होंने आज भाजपा को जो है वो ज्वाइन किया है। और कार्यकर्ताओं की बात करें, इनके समर्थकों की बात करें तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा जमाडा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे इनके समर्थक जो है नजर आएंगे आपको। अंकुश शर्मा जिंदाबाद जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। अंकुश जी, आज आपने भाजपा जो है वो ज्वाइन किया, नहीं किया? बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है। पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रवाद की, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की मजबूती की लड़ाई जो जमीनी स्तर पे उतर के हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि आज उसका एक क्लाइमैक्स है। और क्लाइमैक्स यही है कि हमने भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश भर में राष्ट्रवाद की अगर चलती फिरती मैनिफेस्टेशन हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसका दामन थामा। ये राष्ट्रीय हित में लिया हुआ फैसला है। आज जम्मू कश्मीर में परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जब हम वोट डालने जाएंगे पोलिंग बूथ पे तो हमारे सामने दो विकल्प होंगे, चाहे कैंडिडेट्स 50 खड़े हों, कि हम अपने वोट से अलगाववाद और अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने के लिए बटन दबा रहे हैं, या राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए हमारा हाथ, हमारी उंगली जो है वो बटन पे जा रही है। तो इसीलिए जब ऐसी परिस्थिति जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुई तो हमें एक कॉल लेनी थी, और हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अगर दिमाग में रखते तो हो सकता कि हम भी तमाम 43 सीटों पर जम्मू संभाग में कैंडिडेट्स खड़े करते, मैं स्वयं चुनाव लड़ सकता था। लेकिन अपने पर्सनल एम्बिशंस को, पर्सनल जो उद्देश्य हैं उनको सबसर्वियंट करके राष्ट्रहित को, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मान के, सर्वोच्च मान के हमने ये निर्णय लिया कि वो एक राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर रहा है, करने की क्षमता रखता है, राष्ट्रवाद को मजबूत कर रहा है, राष्ट्र की बात करता है, उसका दामन थामा जाए ताकि हमारी संस्कृति सभ्यता उसकी सुरक्षा जो है वो हो सके, देश मजबूत हो सके और देश की नींव जो है वो अच्छे तरीके से, क्योंकि 47 में अच्छे से नहीं पड़ी थी तो अब अच्छे तरीके से जो 2014 के बाद डली है उसके ऊपर फिर एक बड़ा एक सुपर स्ट्रक्चर बने ताकि भारत पुनः एक सोने की चिड़िया के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो पाए। अंकुश जी, किन विशेष मुद्दों को लेकर के आपने भाजपा का दामन थामा? और देखा गया है आप काफी एक्टिव रहे हैं, समर्थकों की बात करें तो बताने की लोगों को जरूरत नहीं है, जनता को, कि समर्थक जो हैं आपके साथ चले, चाहे आप कहीं पे भी गए लेकिन समर्थक आपके साथ है। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा विशेष मुद्दा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? देखिए, समर्थक साथ में जाने का कारण ही यही था कि एक एक समर्थक जो है वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड है, और आइडियोलॉजी विचारधारा सोच क्या है, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति सभ्यता, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, इस पे हो रहे जो प्रहार हैं उनका जवाब देना, अपने सनातन संस्कृति को, सभ्यता को मजबूत करना, इसीलिए सब लोग हमारे साथ भी चले। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक बड़ा परिवार, भाजपा एक बड़ा परिवार, उसका आज हमने दामन थामा है। मुझे लगता है कि अपनी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल जर्नी अभी तक की रही है उससे जो कुछ हमने अभी तक सीखा है उसका उपयोग करते हुए हम पार्टी की अच्छे से सेवा कर पाएंगे, और आने वाले समय में राष्ट्र, राष्ट्रवाद, इन्हीं दो चीजों को आधार बना के भाजपा में कार्यरत रहेंगे। अपनी आइडियोलॉजी, अपने विषय जो हैं जस के तस हैं, इंटैक्ट हैं, जिस तरीके से हमने अपनी बात अभी तक समाज में रखी और जिस तरीके से हमने देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी है जिसके कारण आतंकी संगठनों की हिटलिस्ट पे भी हम आए, वो निरंतर जारी रहेगी और तीव्र गति से जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि भाजपा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जाके आप अच्छे तरीके से उन नीतियों को क्रियान्वित कर सकते हैं जिन नीतियों को लेके हम संघर्ष अभी तक करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।